गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आई हूँ दिल्ली के एक हिस्टोरिकल प्लेस में, जो कि सब जानते हैं, और ये सदियों से दिल्ली राजधानी की शान बढ़ाता है। ये है जामा मस्जिद, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी कलाकृतियां हैं जो कि हमें अभी आपको दिखाने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ। जैसे कि ये है एंट्रेंस गेट, और लाल किले से सीधी जो रोड आती है वो सीधी आती है जामा मस्जिद की तरफ। और जामा मस्जिद का अब हम एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। मस्जिद में तकरीबन, इसके बरामदे में तकरीबन 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। हुआ है, और कितना बड़ा है। और आज संडे का दिन है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रश रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप संडे को भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन संडे को थोड़ा रश होता है ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और बाकी बातें करते हैं ऊपर चल के। अभी यहाँ से ना थोड़ा सा माइक में इशू आ गया, इसलिए वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ से मैंने टिकट ली 50 रुपीज़ की। अब मैं वो टिकट लेके ऊपर जा रही हूँ। अगर मीनार में आप जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट 50 रुपीज़ की है, और ये उन्होंने आधी फाड़ के रख ली है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये आधी टिकट ऊपर भी चेक होती है मीनार पर जाने के वक्त। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और मैंने खुद में पहली बार इस स्टेयर्स और इन डोर वगैरह को देख रही हूँ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, छोटा सा डोर है। और ये मे बी ना उस तरफ जाने के लिए होगा, गुंबस के उस तरफ जाने के लिए, मीनार के पास जाने के लिए। अब फाइनली मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और यहाँ से नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। धूप भी बहुत अच्छी निकल रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं फ़र्स्ट टाइम ऊपर जाने वाली हूँ। तो ये रहा सामने ही वो गेट, और यहाँ से ही हम ऊपर जाएंगे। तो चलिए ऊपर का रास्ता देखते हैं कैसा है, तो मैं आपको फिर उसका एक्सपीरियंस बताती हूँ जाने का, कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ये देखिए यहाँ के स्टेयर्स कितनी ऊँची ऊँची है, और ये देखिए कितना गैप है और कितनी चौड़ी है, ये आप देख ही सकते हैं। और इसकी हाइट तो लग रहा है कि मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग टाइप में है, मे बी उधर जाने के लिए होगी। फाइनली मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और अब यहीं पे है सामने मीनार पे जाने का रास्ता। और अब चलते हैं ऊपर। जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस मस्जिद के दो मीनार हैं, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और करीब 131.2 फीट की इसकी चौड़ाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और चलते हैं ऊपर। मैंने तो सोच रखा है ऊपर जाके दिल्ली का पूरा नज़ारा ऊपर से देखूंगी, और चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि वो मेरा शौक पूरा हो पाता है या नहीं। इसके स्टेयर्स आप देख सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है अंदर। माय, पूरा अंधेरा है अंदर, आइए। और बहुत ही छोटी सी जगह है, इंटरेस्टिंग एडवेंचर टाइप है ये। तो मैं ऊपर नहीं जा पाई, इसीलिए मैं आपको मीनार की फर्स्ट विंडो से ये व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि ऊपर ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे जाते ही दम अटक रहा था, सांस से फूल रही थी, सांस नहीं आ रही थी अंदर बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। मैं बस सेकेंड, या आप जो देख पा रहे हैं वाइट मार्बल, यहीं तक मैं जा पाई। उसके बाद लौट के मैं वापस आई। कम जगह है, और अंदर का जो आप देख सकते हैं, ये जैसा आपको बाहर से लग रहा है, लेकिन अंदर से भीची भीची जगह है, मतलब एकदम घुटन टाइप। ऊपर से लोग आ रहे हैं, नीचे से लोग जा रहे हैं, कम स्पेस है वहाँ पे, जिसको बोलेंगे कि एक इंसान का स्पेस है और उस पर दो इंसान आना जाना कर रहे हैं। तो मेरे से तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस आ गई, और अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ। तो देखते हैं हम नीचे आ गए और क्या क्या है। अब मेरा रिलैक्स हो गया, मैं जा रही हूँ नीचे। तो अब हम जाएंगे इसके ऊपर, हाई पे आ चुकी हूँ, देख सकते हैं ये आप। जो कोई ऊपर नहीं आया होगा या किसी के वक्त पे ये बंद होगा तो आप देख सकते हैं ऊपर। मीनार पे तो हम चढ़ नहीं पाए, लेकिन ये गुंबद है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड गुंबद, वो बड़ा गुंबद है और उसके बाद ये सेकंड छोटा सा गुंबद है, इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। और मैं ट्राई करूँ, फाइनली मैं आ चुकी हूँ बहुत ऊपर, और ये देखिए आप सारा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आपको दिल्ली दिखेगी, और वो देखिए सामने लाल किला दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल किले से सीधी सड़क आती है जामा मस्जिद की तरफ।
इस मस्जिद को मस्जिद जहां नुमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस मस्जिद को बनाने में 6 साल का टाइम लगा था। 1650 में ये मस्जिद बनना शुरू हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है, सेम उसी से मिलता जुलता ये जमा मस्जिद है। और इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन 10 लाख का खर्चा उस वक्त पे आया था। उस वक्त में 5,000 से भी ज़्यादा मजदूर इसको बनाने में लगाए गए थे। और ये मस्जिद वाइट मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये एक पहाड़ पे बना हुआ है, इसकी इमारत जो है एक पहाड़ पे स्थित है। चलिए नीचे चलते हैं, मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ वापस। और स्टेयर्स देखिएगा कि कितनी पतली थी, और इससे भी पतली थी उसकी स्टेयर्स। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ के कितनी स्टेयर्स पतली, और इससे भी मीनार पतली थी, जिसमें लोग आना जाना कर भी नहीं सकते थे प्रॉपरली। जैसा कि आपको वो दिख रही है ना, वही विंडो तक मैं गई थी। वहाँ जाते जाते बस सांस अटक गई, बस वापस आ गई। उतना और चढ़ना था, और वहाँ देखिए जगह कितनी सी, ऑलरेडी लोग हैं, और वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गई। अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे प्रेयर हो रही है। थोड़ी सी वॉइस आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज यहाँ पे होती है इबादत, यानी कि यहाँ पे प्रेयर करते हैं सब अपनी। दो नंबर के बंद होने वाला। ये देखिए, तो ये है वाइट मार्बल, और ये वही रेड पत्थर है वो है। और यहाँ पे सब नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। ये देखिए इसकी खूबसूरती, जय नमाज टाइप बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो डिज़ाइन है ये देखिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत। यहाँ पे भी सेम वही डिज़ाइन बना हुआ है, जैसा कि नीचे जैन मास का बना हुआ है। और देखिए प्रेयर करते हुए, सब प्रेयर टाइम हो गया है, तो अभी सब प्रेयर कर रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। यहाँ का बस इतना ही है ये साइड जिसमें प्रेयर होती है। और कहते हैं कि प्रेयर के टाइम पे नहीं एंटर करते, इसीलिए मैं आगे नहीं गई। मैंने आपको यहीं से दिखाया, अभी प्रेयर चल रही है। अंदर का ये नज़ारा आपको कैसा लगा मेरे थ्रू, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं उस तरफ से भी अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अभी रुके, इधर प्रेयर हो रही है तो अंदर जाना मना है, लेकिन मैं बाहर साइड्स हैं। एक ये है, और एक उसी के साइड में ये है, इसलिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये इसके कुछ इनके सिक्योरिटी रूम्स हैं, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने भी आपको फ्रंट से दिखाया था। तो ये इनका यहाँ पे प्रेयर होती है, नमाज़ होता है, और सारे जेंट्स जो होते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये इस गुंबद में मैं उस गुंबद और ऊपर जो था वो गुंबद भी मैं कंफ्यूज हो गई। उधर मैं पूरा चढ़ी, ऊपर से पूरी दिल्ली का नज़ारा दिख रहा था, और वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा फील हो रहा था। अब मैं आपको ना उस तरफ का दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मेन गेट जिसके लिए देखिए, ये है जमा मस्जिद का मेन गेट, जो जिसके लिए ये पॉपुलर है। और तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखिए, ओह माय गॉड। ये सारा उसी समय का है, उस टाइम का बना हुआ है, ये देखिए 1656 उसी टाइम का ये पूरा क्रिएशन है, देखिए बन के तैयार हुआ था। और तब से ये वैसे का वैसा ही है। देखिए गुंबद है, यही वो बड़ा गुंबद है, देखिए इसकी डिज़ाइन। बहुत खूबसूरत है अंदर से भी, और ये देखिए फ्रंट। और इस तीन दरवाजे हैं बड़े बड़े, जो कि एक वो रहा और एक वो रहा और ये रहेगा, और जिसे गेट नंबर 1, 2, 3 के नाम से जाना जाता है। जो भी गेट आपको नियर होता है आप उससे एंटर कर सकते हैं, और आप ये सारा घूम सकते हैं। जैसे कि आप तो ये सारा इसे इबादत गाह बोलते हैं, और इसमें इबादत होती है, सब इस पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब उस टाइम पे शाहजहाँ ने सोच के बनवाया था, एंड बहुत अच्छा, मुझे तो फील अच्छा होता है, क्योंकि मैं जब हिस्टोरिकल प्लेसेस देन मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। इमारतें अच्छी लगती हैं, और जो इनका काम होता है वो मुझे बहुत, मुझे क्या सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे इंडिया की बहुत शान बढ़ाता है एंड अच्छा लगता है। और जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया था, तब उन्होंने भारत को मतलब कमज़ोर करने के लिए ये मस्जिद तोड़ने की बात करी थी, और उन्होंने ये मस्जिद तोड़ना चाहा था कि हम इसे तोड़ेंगे, लेकिन नहीं तोड़ पाए। ऐसा जो हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं उनमें लिखा हुआ है, और मैंने वहीं से जस्ट पढ़ा है, थोड़ी सी जो नॉलेज मुझे मिली वहाँ से। और यहाँ से भी जैसे हम वहाँ गए थे,
एंड में, वैसे यहाँ से भी देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन वो अभी बंद कर रखा है। तो चलिए आप उधर की तरफ चलते हैं। तो मैं आई हूँ सुरमा लेने के लिए, एंड ये देखिए ये शॉप है, इसे बोलते हैं सुरमा। तो ये कितने का है? 150। इसमें काजल है क्या? नहीं, खाली। ये खाली होता है? सुरमा अलग से मिलेगा। अच्छा, इसे अलग से मिलता है। और ये कितने का होता है? 20 का। ठीक है, ये भी वही है, सेम? सब खाली है, ये सब सेम है। अच्छा, सब सेम है। और सब, और ये जो होते हैं खुशबू वाले, ये अलग अलग रेट में 150 का है, 200 का है। 150, 200। ओके, तो गाइज अब मेरी है जाने की तैयारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ अपने जामा मस्जिद को, टाटा बाय बाय सी यू करके, और सी यू अगेन, फिर मैं आऊँगी कभी। और अभी तब तक के लिए मैं अभी चलती हूँ नीचे। तो गाइज आपने मेरी जामा मस्जिद की वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।